में ज्यादती करेंगे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने सुना कि उनका बेटा इस तरह दुआ कर रहा है, या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, उसकी नेमतों का सवाल करता हूँ, उसकी रौनकों और तरोताजगियों का सवाल करता हूँ वगैरह वगैरह, और मैं आग से तेरी पनाह मांगता हूँ, उसकी जंजीरों से और तौकों से पनाह मांगता हूँ। तो हजरत साद ने फरमाया, तुमने अल्लाह ताला से खैर कसीर का सवाल किया है और ज़रर कसीर से पनाह मांगी है, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अनकरीब ऐसे लोग होंगे जो दुआ में ज्यादती करेंगे। यानी सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि अल्लाह तू हमें जन्नत अता फरमा और दोजख से बचा, उसकी बहुत तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। जब जन्नत में दाखिल हो गए तो सब कुछ नसीब हो गया, और जब जहन्नम से बच गए तो सब से बचत हो गई। फिर आपने ये आयत पढ़ी, अपने रब से आजजी से दुआ मांगो, यकीनन वो ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी दुआओं में ज्यादती और इस किस्म की तफसीलात ये पसंदीदा नहीं है। तुम्हें यही काफी था कि तुम यूं कहते, या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत और हर उस कौल अमल का सवाल करता हूँ जो जन्नत के करीब कर दे, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम से और हर उस कौल अमल से जो जहन्नम के करीब करे। तो इतना कहना काफी था। फिर क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई कि नाअहल हाकिम मुकरर किए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि क़यामत की निशानियों में से है कि जलील और कमीने लोग नेक शरीफ लोगों पर गालिब हो जाएंगे। क्यों इब्ने मसूद, क्या तुमने भी ये बात मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इब्ने मसूद ने फरमाया, हाँ रब्बे काबा की कसम। हजरत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि तुम अपने इमाम को कत्ल ना करोगे, यानी लोग अपने हाकिमों को मारने लगेंगे और अपनी तलवारों के साथ आपस में ही लड़ाई करोगे, अलावा अजीं तुम में से बदतरीन लोग तुम्हारी दुनिया के वारिस हो जाएंगे। इसी तरह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब सिर्फ मखसूस लोगों को सलाम किया जाएगा, तिजारत इस कदर फैल जाएगी कि औरत तिजारत में अपने खावंद का हाथ बटाएगी। यानी इतना बिजनेस होगा कि मर्द से अकेले नहीं संभाला जाएगा, औरतें उसमें शरीक होंगी, रिश्तेदारी तोड़ी जाएगी, यानी माल कसरत से होने के बावजूद रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, झूठी गवाही दी जाएगी, हक छुपाया जाएगा और कलम का जहूर हो जाएगा, यानी नशरो इशात खूब होगी, खूब लिखा जाएगा। एक और रिवायत में आता है कि वक्त मुख्तसर हो जाएगा। आज आप देखिए हर शख्स वक्त की कमी की शिकायत करता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम होने से पहले यह निशानी जाहिर होगी कि जमाना करीब आ जाएगा, या तकारबुज़्ज़मान, साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, और एक दिन एक घंटे की तरह, और एक घंटा आग के शोले की तरह तेजी से गुजरने वाला हो जाएगा। और आज आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कितनी सच मालूम होती है कि हर शख्स वक्त की कमी का शिकार है, और पता ही नहीं चलता हफ्ता गुजर गया, पता ही नहीं चलता महीना गुजर गया, पता ही नहीं चलता साल गुजर गया, पता ही नहीं चलता इतनी उम्र गुजर गई, कल की बात लगती है। और इनडायरेक्टली ये इशारा इस बात की तरफ कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, यानी इंसान, यानी फास्ट लाइफ जिसको आप कहते हैं, उसका शिकार हो जाएगा। एक और रिवायत में आता है कि दुनिया महबूब हो जाएगी, मौत से नफरत हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौबान से फरमाया, ऐ सौबान, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब दूसरी उम्मतें तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह तुम खाने के बर्तन पर टूट पड़ते हो? सौबान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, बल्कि तुम कसरत में होगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? आपने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और जिहाद से नफरत। और एक रिवायत में आता है, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। इसी तरह नेक लोग आहिस्ता आहिस्ता
कम हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग यके बाद दीगरे रुखसत होते जाएंगे, फौत होते जाएंगे, फजूल लोग बाकी रह जाएंगे, बेकार निकम्मे, जिस तरह जौ का भूसा या रद्दी खजूर बाकी रह जाती। अल्लाह ताला उन फजूल लोगों की कुछ परवाह ना करेगा, कूड़े क्रिकेट की तरह होंगे जिनकी कुछ परवाह ना करेगा कि उनको फेंक दिया जाए।